जिले में 48 कंटेनमेंट क्षेत्रों में 24 हुए फ्री, 29 के ठीक होने के बाद 32 कोरोना पॉजिटिव का अब भी हो रहा उपचार। ट्रक में बैठे बैठे ही ड्राइवर की अचानक हुई मौत, आशंका से मंडी में मचा हड़कंप। अग्निपीड़ित व्यापारियों की मदद के लिए पहुंचे विधायक सुनील उइके। दो हादसे में चली गई 5 जान, बाइक चला रहे युवकों पर चढ़े ट्रैक्टर डंपर। और मंडी सचिव फिर बने तहसीलदार, कुसमैली मंडी से मूल विभाग जबलपुर भेजने के जारी हुए निर्देश। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले से कोरोना वायरस के 3041 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसमें से 2731 सैंपल निगेटिव पाए गए हैं और 170 सैंपल की जांच लंबित है। 51 सैंपल रिजेक्ट हुए हैं। अभी तक कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए 63 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 29 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संक्रमित 32 व्यक्तियों को भर्ती कर उनका उपचार किया जा रहा है। जिले में 24 क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है और पूर्व में घोषित 24 कंटेनमेंट एरिया में किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होने से इन्हें कंटेनमेंट क्षेत्र से हटा दिया गया है। कुसमैली कृषि उपज मंडी में एक ट्रक में बैठे बैठे एक ड्राइवर की मौत अचानक ही हो गई, जिसके बाद कृषि उपज मंडी में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार दोपहर को महाराष्ट्र के नागपुर से आए एक ट्रक में उसी ट्रक का ड्राइवर बैठा हुआ था और वह अचेत हो गया। देखते ही देखते उसके प्राण निकल गए। इस गाड़ी में 2 ड्राइवर और 1 क्लीनर थे, जिसमें से एक ड्राइवर की मौत हो गई। सूत्रों की माने तो उसे तेज बुखार था, जबकि अन्य लोगों के मुताबिक वह नशे की हालत में था। मामले की जानकारी धर्मटेकड़ी चौकी को दे दी गई है, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम के आने के बाद ही मौत की वजह मालूम पड़ेगी। मंडी में सनसनी फैल चुकी है। मंडी से जुड़े अधिकारियों ने फोन रिसीव करना बंद कर दिया है, जबकि छिंदवाड़ा कृषि उपज मंडी अध्यक्ष ने बताया कि शुक्रवार को सैनिटाइज करने के बाद ही मंडी खोली जाएगी और मास्क नहीं पहनने वालों का सख्त कार्रवाई मंडी में ही होना चाहिए। जनार्दन अग्निपीड़ित व्यापारियों से मिलने पहुंचे विधायक सुनील उइके। शासकीय मदद दिलवाने के लिए तत्काल अधिकारियों से चर्चा की। विगत दिनों बाजार की रेडीमेड दुकानों में आग लग गई थी, जिससे 3 कपड़े और मनिहारी की दुकानों में नुकसान हुआ था। इसमें गायत्री मोगरे, जावेद शाह, नशीम जी की दुकानों में पहुंचकर पीड़ित व्यापारियों को भरपूर मदद देने का वादा विधायक सुनील उइके ने किया है। इन लोगों का दुख के साथ हम सब लोग इनके साथ हैं और इस दुख की घड़ी में हम सब लोग इनकी मदद करना चाहते हैं। सभी समाज के लोग, सभी संगठन के लोग अपने अपने लेवल पर मदद करें। मैंने अभी तहसीलदार और SDM से चर्चा करी है। कल अगले 1-2 दिन में इनको हम कुछ आर्थिक मदद करा रहे हैं और अभी जैसे कि उन्होंने बताया कि हमें वैशाला सिंह की प्रॉब्लम है, वो तो मैं तुरंत अभी हल करा रहा हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से इनकी मदद हो रही है और भी मैंने कुछ पर्स तैयार करने के लिए कहा है। मेरा प्रयास होगा कि हम इनको कुछ अच्छी बड़ी मदद कराएं, जिससे कि इनके नुकसान की भरपाई हो सके और ये विधिवत जैसा इनका पहला व्यापार चलता था। गुरुवार को दिन हादसों के नाम रहा। जिले में 2 अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कोयलांचल के शिवपुरी क्षेत्र में बाइक के आपस में टकराने के बाद ट्रैक्टर गुजरने से 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि चांद रोड चौरई में एक डंपर की चपेट में आने से 2 की मौत हो गई। एडिशनल SP शशांक गर्ग ने बताया कि दुर्घटना पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है। विगत 7 माह पहले ही प्रतिनियुक्ति पर आए कुसमैली कृषि उपज मंडी के सचिव अशोक कुमार डहरिया का स्थानांतरण हो गया है। मंडी बोर्ड के MD संदीप यादव के द्वारा 1 जुलाई को जारी पत्र के अनुसार उन्हें अपने मूल विभाग तहसील जबलपुर वापस होना होगा। उन्हें आदेश के अनुसार तत्काल भारमुक्त भी कर दिया गया। इस दौरान मंडी का कार्यभार स्वच्छ छवि वाले निरीक्षक पर रहेगा। कलेक्टर ने ले लिया संज्ञान तो काम की गति बढ़ गई। करीब 8 माह से चल रहे सोनपुर रोड की पुलिया में काम में अचानक गति आ गई है। ये काम पहले तो 2 महीने बंद रहा, लेकिन मई से काम चालू हुआ तो 2 महीने में सिर्फ 2 स्लैब डाल सके। कलेक्टर सौरभ सुमन को जब बारिश के दौरान रास्ता बंद की जानकारी मिली तो उन्होंने संबंधित अधिकारी से जवाब तलब किया, जिसके बाद धीमी गति से काम में तेजी आई। आपको बता दें कि बारिश के दौरान कलेक्टर सुमन द्वारा जिले भर के रास्तों में आने वाले अवरोध दूर करने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। लिंगा क्षेत्र में कल शाम देर शाम को आंधी तूफान सहित बारिश हुई, जिससे कई घरों की छतें गिर गई। इसके साथ ही लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। तूफान आया, पानी आया, तूफान आया, देखते दम की हवा चल रही, अपन मैं ही बैठा हूँ, पूरा ही साल भरा भर झाड़ गिरना है और हम बैठे रहे रात भर। तूफान आया, किससे? बरगद के पेड़, नीम के पेड़ और आम के पेड़ और मकान वगैरह जितने थे वो पूरे तहस-नहस हो गए। तूफान भी तहस-नहस हुई है, भीषण तूफान था, बिजली के पोल वगैरह भी गिरे हैं। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला, एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार दूसरी बार रॉयल प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित मारुति सुजुकी डीलर कामठी मोटर्स कोरोना से आपकी सुरक्षा को देखते हुए लेकर आए हैं घर बैठे मारुति कार की सर्विसिंग की सुविधा। कामठी मोटर्स सर्विस ऑन व्हील,
SOW की सुविधा के साथ एक ऐसा सर्विसिंग व्हीकल जिसमें कार लिफ्टिंग, वॉशिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग के साथ साथ कंप्लीट सर्विसिंग की सुविधा प्रशिक्षित स्टाफ के साथ उपलब्ध। सर्विसिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल 9111488444, मोबाइल 9285506132, 8929400541। कामठी मोटर्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आधार फाउंडेशन छिंदवाड़ा द्वारा ऐसे कोरोना योद्धाओं को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सत्येंद्र ठाकुर रेलवे जोनल सलाहकार समिति सदस्य और केंद्र सरकार के शासकीय अधिवक्ता रहे। अध्यक्ष इंजीनियर महेश किंत, संस्थापक अध्यक्ष आधार फाउंडेशन, विशिष्ट अतिथि नगर निगम सभापति अभिलाष गौहर, संतोष पटेल, सुखेंदु राय रहे। अतिथियों द्वारा रामनामी अंग वस्त्र द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन राजकिशोर तिवारी ने किया। रेलवे मेडिकल टीम छिंदवाड़ा, रेलवे जीआरपी टीम छिंदवाड़ा, ओपन ग्रुप रेल स्काउट एंड गाइड छिंदवाड़ा को ग्रुप सम्मान दिया गया। सीआई अजीत कुमार, सीएचआई आशीष अल्डक, फूड सेफ्टी ऑफिसर एवं सीएचआई एचपी गुप्ता, वरिष्ठ लिपिक प्रदीप उपासे, प्रधान आरक्षक आरपीएफ विनोद शुक्ला को व्यक्तिगत सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। और हमारे नगर निगम के सभापति बड़े भाई अभिलाष बोस जी, समाज सेवी संतोष पटेल जी, डीडीआई राय जी, राजकिशोर तिवारी जी एवं रेलवे के समस्त स्टाफ के समक्ष हम लोगों ने आधार फाउंडेशन के द्वारा एक कोरोना योद्धा सम्मान पत्र कार्यक्रम का आयोजन किया था। क्योंकि रेलवे एक ऐसी संस्था है कि सारा देश जब बंद हो गया, ट्रांसपोर्ट बंद हो गए, तो एक ही चीज थी जो चल रही थी, वो है ट्रेन, जिन्होंने पूरे देश का जीवन चलाई। अगर ट्रेन नहीं होती तो सारे देश का जीवन रुक जाता। ट्रेन के माध्यम से सभी आवश्यक सामग्री पूरे देश में पहुंची। इसी तारतम ने हमने रेलवे कोरोना योद्धा जो लगातार लॉकडाउन में भी अपनी ड्यूटी देते रहे, कर्तव्य निभाते रहे, ऐसे लोगों को आधार फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित किया है। नैनो आर्चिट योजना जिले के ऐसे लोगों के लिए भी फायदे की योजना बनने वाली है जिससे पास थोड़ी सी ही जमीन है। इस योजना में एक हितग्राही को करीब 50 आम, आंवला जैसे पौधे अपने अपने घर के पास की जमीन पर लगाना है जिसमें 3 वर्ष बाद फल आने लगेंगे। जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के सीईओ सीएल मरावी ने बताया कि जनपद अंतर्गत 58 पंचायतों में 848 हितग्राही चिन्हित कर लिए गए हैं। हर एक हितग्राही की भूमि के लगाए जाने के वाले पौधे के रखरखाव के लिए 80,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक हितग्राही की बाड़ी में 50 फलदार पौधे मनरेगा योजना अंतर्गत लगाने की परियोजना जिसका नाम है नैनो आर्चर, छोटी परियोजना है वो। और ये हमारे कलेक्टर महोदय और सीओ जेट की महोदय एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में जिले में सामने आया है। पूरे जिले में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कलेक्टर साहब और सीओ साहब के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 15 प्रकरण या 15 हितग्राहियों का चयन करके और प्रत्येक की बाड़ी में 50 फलदार पौधे रोपित करके और उनको देना है। छिंदवाड़ा जिला पंचायत कार्यालय में ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। जिला पंचायत के सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ने मीडिया संघ से मुलाकात की और कोरोना संक्रमण बीमारी के बचाव पर भी प्रकाश देते हुए सभी ग्राम पंचायतों में सैनिटाइजर ऑटोमेटिक उपकरण लगाने पर चर्चा की गई। नागेश द्वारा मशीन लगाए जाने के बाद सबसे पहले उसका परीक्षण किया गया। दीनदयालपुरम धर्मतेकड़ी में हमारा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी के वरिष्ठ मार्गदर्शक वरिष्ठ समाजसेवी विनोद तिवारी एवं लायंस क्लब अध्यक्ष अजय पालीवाल की उपस्थिति में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर संकल्प सोसाइटी अध्यक्ष युवा समाजसेवी डॉक्टर चंद्रकांत विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष मनीष तिवारी, सचिव डॉक्टर नरेंद्र सोमकुवर, कोषाध्यक्ष आशीष द्विवेदी, समाजसेवी नंदू निर्मलकर, दिलीप श्रीवास आदि उपस्थित रहे एवं पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। सिवनी प्राण मूर्ति में आज कुएं में एक व्यक्ति की लाश मिली जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की लाश कुएं में तैर रही है जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला जांच में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। कोई अज्ञात व्यक्ति की बॉडी पाई गई है। उस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कुएं में एक बॉडी पाई गई जिसको निकाल कर उसके पूछताछ की गई। जो मृतक सूरज यादव पिता बुद्धिलाल यादव उम्र 35 वर्ष वार्ड नंबर 17 नई आबादी छिंदवाड़ा का होना पाया गया। ग्राम सिरस में आरोपी नेपाल यादव साई फर्नीचर सिरस के यहाँ उड़नदस्ता वन प्रांत छिंदवाड़ा द्वारा छापा मारा गया। तलाशी के दौरान नेपाल के घर और बाड़ी से 74 नग सागौन चिरी हुई और 10 नग सागौन लट्ठा जब्ती की गई। नेपाल यादव द्वारा इस वर्ष फर्नीचर बनाने के लिए पूर्व वन मंडल छिंदवाड़ा से पंजीयन कराया गया था। नेपाल आसपास के लगे अशासकीय जंगलों से सागवन की लकड़ी ग्रामीणों के द्वारा बुलवाता था और फर्नीचर बनाकर बिक्री करता था जिसमें कि वन प्रांत उड़नदस्ता छिंदवाड़ा द्वारा छापा मारा गया। इस कार्रवाई में उड़नदस्ता प्रभारी अधिकारी देवेंद्र सोनी,
राजेश बागड़े, प्राण प्रांत छिंदवाड़ा वन रक्षक भानु प्रताप सिंह, दुर्गेश कवरेती, बेलवंशी सोमवंती डहरिया, तुलसी मूलचंद और बीएसएफ के जवानों का विशेष सहयोग रहा। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।